हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपूत सरफराज और आप देख रहे हैं सिर्फ टैक। तो दोस्तों, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आपने 5G फ़ोन लिया है, लेकिन स्पीड 4G वाली आ रही है अभी तो। लेकिन 5G सिम लॉन्च ही नहीं हुए, कैसे पता करेंगे? लेकिन अगर बाय चांस कुछ टाइम में 5G सिम लॉन्च हो जाए, 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाए, उसके बाद आपका फ़ोन 5G स्पीड दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा 5G फ़ोन ज़्यादा स्पीड देगा और कौन सा 5G फ़ोन 4G स्पीड तक ही दे पाएगा। दरअसल क्या होता है, मोबाइल में बैंड होते हैं, बैंड के हिसाब से ही मोबाइल की स्पीड आती है। अगर जितने ज़्यादा मोबाइल में बैंड होंगे, उतने ही ज़्यादा स्पीड आपको मोबाइल देगा। उसी के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कौन सा फ़ोन कितने बैंड देता है और कौन सा फ़ोन कितने बैंड देता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अब बात आती है कितने बैंड वाला फ़ोन 5G फ़ोन बेस्ट होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा मोबाइल में बैंड होंगे, उतना ही ज़्यादा मोबाइल स्पीड देगा। मान लीजिए अगर जियो N70 बैंड पर काम कर रहा है, तो अगर आपका फ़ोन में एक बैंड है तो वो उसी बैंड पर चलता रहेगा और पब्लिक उसी N70 बैंड पर इंटरनेट चला रही होगी, तो स्पीड कम आ जाएगी। और अगर आपका फ़ोन ज़्यादा बैंड यूज करता है, तो आपका फ़ोन N70 से हटकर दूसरे बैंड पर चला जाएगा और आपको स्पीड फुल देगा। क्यों? क्योंकि N70 पर पूरी पब्लिक इंटरनेट चला रही है और आप अकेले दूसरे बैंड पर चले जाएंगे तो आपको स्पीड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप मोबाइल ले रहे हैं तो ज़्यादा बैंड वाला ही मोबाइल ख़रीदें। तो दूसरी टिप की बात कर लेते हैं, दूसरी टिप क्या है। दूसरी टिप है कि 5G बैंड कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 5G बैंड दो तरह के होते हैं, एक FR1 5G और एक दूसरा है FR2 5G। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि FR1 में क्या खूबी है और FR2 में क्या खूबी है। दोस्तों, FR1 की बात करें तो ये 600 GHz इन्हें कहा जाता है और ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर तय किए गए हैं। इन्हें दो लो 5G और मिड रेंज 5G में बांटा गया है। और FR2G की बात करें तो FR2G में है ये मिली गीगाहर्ट्ज पर काम करता है और ये -24 से लेकर 24 GHz तक रखी गई है, जो कि लो 5G बैंड में 600 GHz से 2.4 GB तक लेकर मिड बैंड में 2.4 GHz से लेकर 600 GHz तक इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा स्पीड मिलती है और साथ ही 1 mm से कम रहती है लेटेंसी स्पीड की, तो इसमें 10 GB तक आपको स्पीड मिल जाएगी। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि बैंड कितने तरह के होते हैं, अब बात आती है किस फ़ोन में कितने बैंड मिलते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस फ़ोन में कितने बैंड मिलते हैं। तो पहला है OnePlus Nord 5G। इसमें आपको N70 बैंड मिलेगा, सिंगल पर ये काम करता है। दूसरा फ़ोन है OnePlus 9R 5G, ये भी सिंगल बैंड पर काम करता है। तीसरा है MI 10i 5G, ये दो बैंड पर काम करता है, इसमें आपको स्पीड बहुत अच्छी मिल जाएगी। चौथा है Moto G 5G, इसमें आपको 4 बैंड मिल जाएंगे, ये भी आपको अच्छी खासी स्पीड देगा। पांचवा है Oppo Reno 5G, इसमें आपको कई सारे बैंड मिल जाएंगे। इसकी तो बात ही अलग है कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड देने वाला है अगर आप Oppo Reno 5G फ़ोन चला रहे हैं तो। छठा है iPhone 12, इसमें आपको सबसे ज़्यादा बैंड मिल जाते हैं, ये सबसे खास बात है, इसमें सबसे ज़्यादा बैंड आपको इसमें मिलने वाले हैं, ये बहुत अच्छी स्पीड आपको देने वाला है अगर आपके पास आईफोन 12 है तो। सातवें की बात करते हैं तो इसमें है MI 10 और MI 10T में आपको 10
बैंड मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे आप अच्छी खासी स्पीड आपकी 5G मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाएगी अगर आप बेल आइकन दबा दें तो। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।